देन नोट ऑन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन यूएनएससीओ यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस. सो द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस फॉर्मली नोन एज द यूनाइटेड नेशन स्पेशल कोऑर्डिनेटर मीन्स इट्स एम इज टू मेंटेन द पीस इन द मिडल ईस्ट. इट रिप्रेजेंट्स द सिक्योरिटी काउंसिल एंड लीड्स द यूएन सिस्टम इन ऑल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रिलेटेड टू द पीस प्रोसेस इंक्लूडिंग इन द मिडल ईस्ट क्वार्टेट. क्वार्टेट मीन्स द फोर सम ऑफ नेशन द क्वार्टेट कॉम्प्राइजेस ऑफ मीन्स दिस क्वार्टेट इज ऑफ कॉम्प्राइजेस ऑफ द फोर नेशन. इट्स द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया. सो इन दिस मेंटेनिंग पीस इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशल कोऑर्डिनेटर एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ यूएन एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी एंड पैलेस्टीनियन पीपल. द नैटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, देन इट्स मिशन, देन द हेडक्वार्टर. नाउ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ जियो पोलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया. इट्स मेंबर्स आर इन टोटल 8, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन. देन वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, देन टू कॉन्ट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, देन इट्स कोलैबोरेशन इज इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, टू कोऑपरेट द इशूज लाइक द वाटर रिसोर्सेज, देन म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन. इट्स यूनिक फीचर्स ऑफ द सार्क आर ओल्डेस्ट एंशियंट लिविंग सिविलाइजेशन, वर्ल्ड्स स्लीपिंग जायंट, पीपल ऑफ ऑल रीजन्स फेथ आइडियोलॉजीज लिव इन दिस सार्क, देन इकोनॉमिक फोर्स, कॉमन मार्केट, the largest irrigated area, then the second largest railway network, the largest English speaking area and the largest labor force, 425 million people. Now what are the challenges? Poverty, unemployment, literacy, governance, education, development, enabling environment and defense expenditure.